इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, जब कभी हम बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड लेजिस्लेशंस, रेगुलेशन और गाइडेंस की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी आ जाते हैं। नाउ इंटरनेशनल कम्युनिटी क्रिएट अ सेट ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस ऑन स्पेशली लैब बायोसिक्योरिटी। एज आई हैव टोल्ड यू दैट बायोसिक्योरिटी नॉट ओनली डील्स विद द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट इट ऑल्सो डील्स विद द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ फील्ड ऑफ जूलॉजी एंड ऑल्सो विद द बायोटेक्नोलॉजी। सो दे पर्टिकुलरली क्रिएट ऑब्लिगेशंस ऑन द लैब बायोसिक्योरिटी कि क्या अगर स्टेट ने लेजिस्लेशंस प्रिपेयर कर ली हैं तो क्या प्रॉपर प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, लेजिस्लेशंस पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लैब वर्कर्स उन प्रोसीजर्स को क्या प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल बायो वेपन्स का दौर है और ज़्यादातर लेजिस्लेशंस बायो वेपन्स की बायोसिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं। अगर बायो वेपन्स एक क्रिमिनल नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल कर सकता है इवन फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, देन हाउ वी कैन कंट्रोल द मिस यूज ऑफ वेपन्स एंड इन सच कंडीशंस हाउ वी कैन प्रिवेंट द पब्लिक एंड एनवायरमेंट। देन लेजिस्लेशंस आर ऑल्सो रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस मटीरियल। क्या उस स्टेट के अपने गाइडलाइंस हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस मटीरियल और नॉट, और अगर उस नेशन की अपनी गाइडलाइंस नहीं है तो क्या वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस मटीरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस रिगार्डिंग देयर पैकिंग सिस्टम एंड रिगार्डिंग देयर बायोवेपन प्रोहिबिशन लॉज। जब हम कभी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, नो डाउट बायोसिक्योरिटी गाइडलाइंस हैव डेवलप्ड लीगल बैरियर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग एंड यूजेज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, लेकिन क्या वो लीगल बैरियर्स प्रॉपरली मार्केट में इन्फोर्स हुए हैं कि नहीं।